पे ये मेरा मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन HDFC ओपन हो रहा है। मैं यहाँ पे अपना कोड को डालता हूँ, वो भी आप देखिए यहाँ पे ये अभी ओपन हुआ। अब इस पर आप ध्यान मत दीजिए, बैलेंस के ऊपर में मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और मैं अपना बैंक स्टेटमेंट को आपको दिखाता हूँ। और आप देखिए, ये तो एक सब्सक्रिप्शन था जो डेबिट हुआ। यहाँ पे देखिए, एक एप्लीकेशन की तरफ से मुझे अमाउंट जो रिसीव हुआ है, आप यहाँ पे देखिए। तो ये मैंने दोस्तों मेरे मोबाइल के स्क्रीन पे देख पा रहे हो कि सबसे पहले ही यहाँ पे मेंशन है कि भाई ये RBI रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है। तो आप सोचिए कि RBI रजिस्टर्ड एप्लीकेशन है तो ये एप्लीकेशन ना तो पैन कार्ड मांग रहा है, ना ही आधार कार्ड मांग रहा है, सिर्फ अपना मोबाइल नंबर को वेरीफाई कीजिए और आपको ये लोन प्रोवाइड कर रहा है। कितना, तो वो भी आप देख लीजिए, एक 5000 से लेकर के एक 2 लाख रुपए तक लोन प्रोवाइड कर रहा है। मतलब इतना बड़ा लोन, पैन कार्ड भी नहीं, आधार कार्ड भी नहीं, ऐसा क्यों? जो भी कुछ है इस वीडियो में मैं आपको स्क्रीन पे दिखाता हूं और मैं आपको बताता हूं कि आखिर ये क्यों बिना पैन कार्ड, बिना आधार कार्ड के आपको 5000 रुपये लोन क्यों दे रहा है और आपको कैसे मिलेगा। और रीपेमेंट नहीं भी करेंगे तो भी टेंशन नहीं है। तो सभी लोग चाहेंगे कि इस तरह का लोन लेना, लेकिन रुकिए, सबसे पहले मेरा बात को आप समझ लीजिए कि क्यों ऐसे लोन मिल रहा है और ऐसे एप्लीकेशन क्यों है और क्यों एड पे चल रहा है जो कि आप स्क्रीन पे देख रहे हो। ऐसे भी एप्लीकेशन के ऐसे प्रमोशन हो रहा है, तो क्यों ये सब हो रहा है, वो सभी चीज़ें इस वीडियो में क्लियर करता हूँ। चैनल पर अगर आप नए हो, फर्स्ट टाइम मुझे आप ऐसे देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को प्रेस अगर आप करते हैं, तो फ्यूचर में आने वाली वीडियो, जब मैं न्यू वीडियो अपने चैनल पर डालूंगा तो वो आपको स्क्रीन पर दिखेगा जब आप यूट्यूब पर आओगे तब। सही है, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत ही शरीफ लोग भी, बहुत ही गांव सीधा, एकदम बिल्कुल सीधे लोग भी यूट्यूब को देखते हैं, क्योंकि कमेंट के हिसाब से मुझे पता चल रहा है। इसलिए मतलब कि नोटिफिकेशन प्रेस करने पे आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन जाएगी, ऐसा भी मैं बोल सकता था। वेल, जो भी कुछ है, मैं आपको एक बात सबसे पहले क्लियर करना चाहता हूं कि भाई देखिए, बिना पैन कार्ड के, बिना आधार कार्ड के जो लोन कोई भी एप्लीकेशन दे रहा है, मतलब कि वो फंसा रहा है। दैट्स इट, ये क्लियर है। ये जो चीज मैं आपको बता रहा हूं और ये आप ये स्क्रीन पे जो देख पा रहे हो, कितना मेल आया हुआ है मुझे। अब सोचिए, ये इस चैनल पे मतलब कि एक अच्छा खासा सब्सक्राइबर बेस है और बहुत सारे नए लोग भी देखते हैं एवरीडे। 50,000 से भी ज़्यादा लोग वॉच करते हैं वीडियो को, कम से कम डेली 40-50-30 तो ऐसे मेल आते ही हैं, कमेंट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ। तो देखिए, मैक्सिमम लोगों की ये प्रॉब्लम है कि मेहता भाई, मैं इसमें फंस चुका हूँ, मैं उसमें फंस चुका हूँ, मुझे जो है गलत गलत फोटो व्हाट्सएप पर भेज रहा है, 3 नंबर से 4 नंबर से ऐसे करके कॉल आ रहा है, तो प्लीज़ हेल्प कीजिए। अभी मैं ये क्यों, ये इस एप्लीकेशन के बारे में मैं नहीं बताऊँगा। ये एप्लीकेशन लिखने के लिए सभी चीज़ अपने यहाँ पर मैंशन किया है। ये भी एप्लीकेशन फेक है और ये भी अपने आप को दावा करता है कि भाई बिना पैन कार्ड, बिना आधार कार्ड के डॉक्यूमेंट्स, मतलब इसको चाहिए ही नहीं, सिर्फ यहाँ पे लिख दिया है ये चाहिए वो चाहिए, लेकिन जब अप्लाई करने जाओगे तो नहीं चाहिए, नहीं कुछ लेगा नहीं, और बाद में जो है आपको फेक जो है सक्सेसफुली प्रोसेस चला जाएगा और आपको फिर बाद में कॉल भी आएगा आपके नंबर पर, आपके व्हाट्सएप पर, कि भाई अगर व्हाट्सएप नहीं है तो सादा नंबर पर डायरेक्ट भी कॉल आएगा और आपसे ये पूछी जाएगी कि आप रीपेमेंट कब कर रहे हो। फिर आप कहोगे कि पेमेंट तो हमें रिसीव हुआ ही नहीं, फिर वो लोग कहेंगे अरे क्या बात कर रहा है, पेमेंट हमारी तरफ से चला गया है, आपने बैंक अकाउंट ही गलत डाला होगा। इस तरह से आपके साथ प्रॉब्लम होगा और इस तरह से अगर आपके साथ प्रॉब्लम हो रहा है तो ये मेरा ईमेल आईडी है, प्लीज़ आप मुझे मेल कीजिए, स्क्रीनशॉट, अपनी पूरी बात बताइए। मैं आपको रिकमेंड करूँगा, आप अपने उसमें मोबाइल नंबर जरूर मैंशन कीजिएगा, अपना मोबाइल नंबर जरूर डालिएगा। कमेंट में मोबाइल नंबर डालोगे फ़ायदा नहीं है, मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। मेल कीजिए, मैं आपको वहाँ पर बात भी करूँगा, अगर पॉसिबल मुझे लगा कि बात करना चाहिए तो वो बात भी करूंगा। यस्टरडे मैंने लाइव प्रूफ वीडियो दिखाया और आज भी मैं आपको ओपन करके दिखाता हूं यहां पे। अब देखिए, यहां पे ये मेरा मोबाइल बैंकिंग एप्लीकेशन HDFC ओपन हो रहा है। मैं यहां पे अपना कोड को डालता हूं, वो भी आप देखिए यहां पे ये अभी ओपन हुआ। अब इस पर आप ध्यान मत दीजिए, बैलेंस के ऊपर मैं यहां पे क्लिक करता हूं और मैं अपना बैंक स्टेटमेंट को आपको दिखाता हूं। और आप देखिए, ये तो एक सब्सक्रिप्शन था जो डेबिट हुआ। यहाँ पे देखिए, एक एप्लीकेशन की तरफ से मुझे अमाउंट जो रिसीव हुआ है, आप यहाँ पे देखिए। तो ये मैंने, ये जो थंबनेल आप देख पा रहे हो ना, ये इसमें पूरी प्रोसेस दिखाया है। सच में आधार कार्ड नहीं चाहिए लेकिन पैन कार्ड चाहिए, और लोन आपको कैसे मिलेगा, बैंक अकाउंट में लिया है एक NBFC रजिस्टर्ड एप्लीकेशन के साथ में। तो कोई भी एप्लीकेशन को आप जब इंस्टॉल कर रहे हो अपने फ़ोन के अंदर में, मैं एकदम बिल्कुल बैक चला जाता हूँ,
आप इसे लोन लिखोगे, यहाँ पे बहुत सारी कंपनी आने वाली है, तो किसी एक कंपनी को, जैसे कि मैंने यहाँ पे, चलिए मैं यहाँ पे टच किया, ये कंपनी है लोन देती है। अब हम इसका रेटिंग देखेंगे, 3.5 रेटिंग से अगर ये नीचे होगा तो टच नहीं करना है। अगर 10,000 अगर ऐसे 10T लिखेगा या 10K लिखेगा तो भी हो सकता है कि वो नई कंपनी लॉन्च हुआ है, अच्छा भी होगा, लेकिन आप उसकी पब्लिक रिव्यू को जरूर चेक करने जाएं इस तरह से। और रिव्यू चेक करने के टाइम में प्लीज आप ऑल पे सिलेक्ट करें, ये ना था कि 5 स्टार 4 स्टार पे सिलेक्ट करें, आप जो है ऑल पे सिलेक्ट करें और ऐसे धीरे धीरे से देखें कि इस एप्लीकेशन में सबसे ज़्यादा लोग जो है सिंगल स्टार रेटिंग दिया है, अगर कोई 4 स्टार रेटिंग दिया है तो वो कौन है, और इस तरह से आपको पता चल जाएगा। देखिए नाम पढ़ पा रहे हैं फेक एप्लीकेशन है या अच्छा एप्लीकेशन है, ये चीज़ आपको जो है पता चल जाएगा। बिना आधार कार्ड का, बिना पैन कार्ड का लोन नहीं मिलता है। अगर बिना आधार कार्ड का, पैन कार्ड के सिवा पैन कार्ड से लोन मिल सकता है, लेकिन आधार कार्ड भी नहीं चाहिए, पैन कार्ड भी नहीं चाहिए, सेल्फी भी नहीं चाहिए, नंबर से सिर्फ, तो ऐसा थोड़ी चलने वाला है, ऐसा बिल्कुल ही नहीं चलने वाला है। आई होप गाइज मेरा वीडियो क्या था पर्पज बताने की, मैं यस्टरडे और आज कम से कम 5 ऐसे लोगों की वॉइस रिकॉर्डिंग भी उन लोगों ने, भाई लोगों ने मेल के थ्रू अपलोड किया है, मुझे बहुत ही दुख हुआ, मैं क्या ही बोलूँ, मतलब कि बहुत ही दुख हुआ। और इतने गंदे गंदे फोटो, मतलब मेल में भाई ने टच करके भेजा था कि ऐसे फोटो जो है उनको बना करके भेजा जा रहा है, सर बताइए मेरी शादी हो गया है, मेरी वाइफ देखी तो क्या होगा, मेरे भाई देखे, सभी के व्हाट्सएप पे वो फोटो डाल दिया है उन लोगों ने, तो ये सोचिए ये सब क्या है। तो ऐसे में प्लीज़ आप अलर्ट रहना है, और NBFC रजिस्टर है कि नहीं ये चेक करना है, रेटिंग चेक करना है, डाउनलोडिंग चेक करना है, पब्लिक रिव्यू लोगों की चेक करना है, उसके बाद में आपको अपलोड करना है, और वो एक गवर्नमेंट अप्रूवल वाली एप्लीकेशन होना चाहिए। और भी आप जब अपलोड करने जाओगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये फेक है या सही है, सही है ना। मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट सेक्शन में पिन किया हूँ लाइव प्रूफ वीडियो, उसे आप देखिए और आप अप्लाई कीजिए। बस आज के वीडियो में इतना ही, प्लीज़ एक रिक्वेस्ट रहेगा कि इस वीडियो को शेयर करेंगे तो लोगों का हेल्प भी होगा। मिलते हैं और इंटरेस्टिंग एक हेल्पफुल वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड टेक केयर।